असलम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू ऑल विल भी फाइन सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो आज जो है वो मेरी कज़न्स वगैरह आएंगी और साथ में मैच भी है तो आज का दिन जो है हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है हमने नार्शिक किया मम्मा ने आलू वाले पराठे बनाए थे उसके बाद चाय पी फिर मैंने मेरी बहन ने मिलकर हम दोनों ने पूरे घर की सफाई की तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो ज़ाहिर है फिर तो हमें जुड़ के बैठना पड़ना था देखने के लिए यहाँ पर किचन में मेरे फादर जो है वो चना पुलाव बना रहे थे यानी दोपहर का खाना रेडी कर रहे थे उनकी कुकिंग जो है वो बेस्ट होती है मैंने और मेरी बहन ने सफाई का सिलसिला शुरू किया था मेरी मम्मा कुछ टूल्स के साथ मसरूफ़ थी यहाँ पर उसने पहले झाड़ू लगा दिया फिर मैंने पोछा लगा दिया फिर हम लोग किचन में चले के पापा के साथ हेल्प करवाने के लिए और उसके बाद जो है वो फिर और भी बहुत सारे काम थे जो हम दोनों ने मिल कर लिए चना प्लाव की कंप्लीट रेसिपी जो है वो मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी वीडियो दी हुई है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ज़रूर ऐड कर दूँगी आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं मैच की तैयारी करने के लिए हम लोगों ने जब वो सब कुछ रेडी कर लिया था लैपटॉप वगैरह ऑन किया बट लैपटॉप में कोई इशू आ रहा था सो वो ऑन नहीं हो रहा था उसके बाद जब मैं छत पे चली गई अपने गार्डन की ग्रीन चिलीज़ लेने लेकिन वो ग्रीन नहीं थी वो रेड थी मेरी मम्मा को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो हम लोगों ने छत पर एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है जहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स हैं यहाँ पर जब वो ग्रीन चिली है एलोवेरा है समटाइम पोटैटोज़ भी लगते हैं कुरैंडर है और उसके अलावा भी कुछ हाँ पुदीना है और भी कुछ हैं जो अभी मुझे कंफर्म नहीं और है और स्पेशली हम लोगों ने अपने गार्डन का कोरिएंडर तो बहुत ज़्यादा खाया है और एक तो चीज़ आपकी ऑर्गेनिक होती है जो आप अपने घर पर लगाते हैं इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है वैसे ही घर में जो है वो ग्रीनरीज लाजमी होनी चाहिए ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है खैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ मिर्चें मैंने ले ली थी और उसके बाद जो हमने इनको ग्राइंड करके जो है वो दही में डालना था और इसका मज़ा दुबाला हो जाना था खाना वगैरह रेडी हो चुका था मेरी कज़न्स वगैरह भी आ गई थी तो अभी जो है मैं आप लोगों को राइस का ओवरव्यू करवा देती हूँ आप चावल देख सकते हैं कि एक एक दाना अलहदा अलीहदा है ठीक है अक्सर लोग बनाते हैं लेकिन उनके सारे चावल जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको मस्ट वो रेसिपी देखनी चाहिए उसके बाद जो है वो हम लोग मैच देखने के लिए बैठ गए मैच का ज़्यादा इशू ये आ रहा था कि वहाँ बारिश होती जा रही थी खैर फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए उसके बाद हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई पिक्चर्स बनाई और फिर मेरी कजिन्स बोलने लगी कि अब लोग जो है वो काफ़ी रात हो गई है तो अब हमें जाना चाहिए फिर हमने उन्हें सी ऑफ़ किया उन सब से मिले और बहुत सारी दुआएं भी दीं और ली भी इसी के साथ जो है वो हमारा व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड हो जाता है तो आपसे मुलाकात होगी इन एक नेक्स्ट व्लॉग में सो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़